शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा इतनी अच्छी पिक्चर बनेगी कभी। अरे वाह, बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद है। और रोते रोते जाए, मैं तो अभी रो रही हूँ, बहुत बढ़िया पिक्चर। घूम लगे आज ना हम लोग स्वयं शास्त्र को वाचन करने वाले हम लोग घूम लगे, लेकिन आप इस माध्यम से एक बहुत अच्छा संदेश देने जो लखनऊ हृदय में सब लोग शिक्षा ग्रहण कला और बड़ा पितृगुण वास्ता बड़ी जो हमारे पुस्तानी जो परंपरा छे जो पालन कर। आप जो नहीं एक गढ़वाली फिल्म पितृकुड़ा देखना है ना, पहले तो मैं अपने पितृकुड़ा टीम की ओर से आप सब माता बहनों को स्वागत कर दूं, धन्यवाद कर दूं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह का विषय चुना, क्योंकि ये विषय हमारे जीवन में हमारे गढ़वालियों के भी और सभी के लगभग सभी के है, लेकिन आप याद दिलाने के लिए तैयार हुए, बार बार याद रखा जाए और समझा जाए कि आखिर हमने उन्हीं पितरों में समाना है लास्ट में, है ना। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को लेकर भी आए, बच्चे भी देखें, अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, ठीक है ना। और उसमें सबसे बेहतर मुझे तो सीन वो लगा कि जब उसके माता पिता तड़प रहे हैं और उनके बच्चे कामयाबी के नशे में अपने माँ बाप को भूल चुके हैं, तो मुझे आज भी अभी भी रोना आ रहा है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं से हैं, वो हमसे, उनकी आस कभी ना तोड़ो, वरना पूजा पाठ ये सब कुछ बेकार है, बेकार है। इसलिए पितरों को कोट कोट ही नमन। आपके बोला नमस्कार। ये मतलब ये फिल्म मुझे लगता है कि शायद गढ़वाली क्या बनिया हो कोई भी देश का कोई भी जाना सबको दिखानी चाहिए, क्योंकि पितृ तो सब जगह होते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में हो चाहे कैसे भी हो। तो बच्चों को कोई भी मतलब कोई भी संस्कार सिखाते हैं तो हम माँ बाप के ऊपर होता है, हम दोष देते हैं कि हमारे बच्चे कुछ नहीं सीखते। जब हम अपने बच्चों को अपने परिवार में दादा दादी के बारे में बताएंगे ही नहीं तो उन्हें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो मतलब पितृ ऐसे होते हैं कि वहाँ देखा गया है जब बच्चों को कर रहे थे, उन्होंने मतलब क्षमा कर दिया था उनको, तो मतलब उनके मन में माँ बाप के मन में नहीं रहता बच्चों के प्रति कभी भी, तो क्षमा कर देते हैं बच्चे। क्या आप मेरे को पिक्चर की तरह से मैंने इसको नहीं लिया, वाकई में एक रियलिटी थी इस मूवी में। और मुझे लगता है कि हमारे जो बच्चे भावी बच्चे उनको ये स्कूल्स के से, मैं एक टीचर हूँ तो मुझे लगता है उन बच्चों को स्कूल यहाँ से लाना चाहिए मूवी दिखाने पे, ताकि बच्चे उन्हें अपनी संस्कृति का पता चले और पता चले कि हम लोग हमारी जो जड़ें हैं वो जो जड़ है वो यहीं से जुड़ी हुई हैं। और देखो हम कितना भी कमाते धमाते लेकिन माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, थोड़ी देर गुस्सा आता है फिर माफ़ कर देते हैं, लेकिन हम लोग आज आपा धापी भागा दौड़ी कमाने धमाने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हमें मालूम नहीं है कि रियलिटी क्या है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि सब लोग इस मूवी को आके ज़्यादा से ज़्यादा देखें और बच्चों को स्पेशली लाया जाए, ताकि बच्चे जो कि हमारे जो भावी बच्चे हैं वो इसको देखेंगे तो वो हमारी संस्कृति से ज़्यादा जुड़े हैं। बच्चों के लिए ही मेन बनी हुई है। आप क्या बोला? तो ये कहूँगी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, ये आप लोगों ने बहुत अच्छी जो है ये प्रेरणादायक बनाई है, और जो है इसमें जो है हमारे बच्चों को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि जो है हमारे बच्चों को कई चीज़ों की जानकारी नहीं है, और जब इस चीज़ में देखेंगे तो इससे उनको भी जानकारी होगी और आगे वो भविष्य में हर चीज़ से जुड़ के रहेंगे, अपने गाँव से जुड़ेंगे और अपने पितरों से जुड़ेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और जो है यही चाहूँगी कि आगे आओ और अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाएं, जिससे जो है हमारे बच्चों को और समाज को अच्छा मैसेज जाए। बस जाए। आप क्यों बोला? कहना भी यही है जी, देवदत्त पिक्चर हमें भी बहुत अच्छी लगी, हम चाहते हैं कि ये भी और अच्छी से अच्छी आप पिक्चर बनाएं जो बच्चों के लिए समझे, और आजकल के बच्चे है कि बिल्कुल नहीं समझते हैं, या समझे इस पिक्चर को देख के कि हमारे दादा दादी माँ बाप जो भी हम लोगों से गलती होती है, हम अपने हमारे बच्चे हमें समझाए कि दादा दादी की सेवा करनी चाहिए, हमारी पितर देख रहे हैं। बच्चों को बोलोगे देखो फिल्म जा करके? हाँ जी हाँ। आप क्या बोला? बहुत अच्छी लगी पिक्चर, और मैं जानती हूँ आजकल के बच्चों में ये पिक्चर देखनी चाहिए, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।